जय हिंद जय भारत। दोस्तों बैच क्या होता है जो कमर्शियल गाड़ियों के लिए बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन कई लोगों को उसके बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पे काफी कमेंट आए मेरे को, काफी मैसेजेस आए, टाइम टू टाइम मैंने उनको रिप्लाई दिए, लेकिन मुझे लगता है कि उस पे एक वीडियो और बनानी चाहिए क्योंकि कई लोगों को काफी कंफ्यूजन है। भाई सबसे पहले तो एक बात देख लो, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं दिल्ली में बनाता हूँ। दिल्ली का मुझे ए से लेकर जेड तक पता है, लेकिन हर स्टेट में कुछ ना कुछ प्रोसेस अलग होता है, लेकिन उनमें एक चीज तो कॉमन है कि आपको आरटीओ जाना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, मेडिकल कराना ही पड़ेगा, 2 दिन की ट्रेनिंग वाली क्लास आपको लेनी ही पड़ेगी, वो हर स्टेट में अनिवार्य है। लेकिन प्रॉब्लम ये किसको रिक्वायरमेंट है किसको नहीं है। अब दिल्ली में तो क्या है कि जो ड्राइवर बैच है वो सिर्फ हैवी के लिए मैंडेटरी कर दिया, सिर्फ हैवी के लिए, जिसका हैवी होगा उसी को ही रिक्वायरमेंट है। अगर कार वाले को भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे 2 दिन की क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट लाइसेंस और कॉमर्शियल लाइसेंस जब से दिल्ली में एक हुआ है तो काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ है कि बैच कौन बनाएगा, किसको बनाना अनिवार्य है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप ऑटो चलाते हो तो आपको बैच बनाना अनिवार्य है, टैक्सी चलाते हो तो भी अनिवार्य है, चैंपियन, टाटा 407 जो भी आप चलाते हो, ये कॉमर्शियल व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी आप व्हीकल चलाते हो उसके लिए बैच अनिवार्य है। जो भी दोस्त मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे को प्रैक्टिकल का ज्ञान है, 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है अथॉरिटी के काम का, कि मुझे पता है कि काम कैसे होता है, एजेंट डीलिंग में लोग कैसे काम कराते हैं, पब्लिक डीलिंग में कैसे काम होता है, तो उसका मुझे काफी अनुभव है। वही अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि आप अपना काम आसानी से कर सको। बैच में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपका काम नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट या मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हो, मैं आपको टाइमली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूं तो इसलिए मैं कई बार जवाब नहीं दे पाता या कॉल नहीं उठा पाता। तो आप निराश मत होना कि हमने सर को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन सर तो हमारी बातों का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको पक्का आपके मैसेज का मैं रिप्लाई दूंगा। और बात रही बैच की, बैच बड़ा आसान है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर हैवी लाइसेंस है उस पर ही बैच बनता है, LMB लाइसेंस है उस पर ही बैच बनता है, TSR का और LMB का बैच दोनों सेम होता है, क्योंकि आजकल बैच अलग से नहीं मिलता, लाइसेंस के पीछे ही बैच नंबर प्रिंट होके आता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता तो वो लोगों को मिसगाइड कर देते कि बैच अलग से बनेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन मात्र 200 रुपए की फीस में आप बैच अप्लाई कर सकते हो। इंक्वायरी जैसी हो जाएगी उसके विद इन अ वीक आपका बैच बन के घर पे आ जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बनाए। उसके बावजूद भी अगर आपको बेवकूफ कोई बनाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, तो आप मेरी मदद ले सकते हो। बैच की प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी मेरी पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। और उससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।